हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव फ्रॉम शांति विद्यापीठ। दोस्तों, आज मैं आपको स्कैनिंग के बारे में बता रहा हूँ। स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने स्कैनर के फ्लैप को ओपन करिए और उसके अंदर आप जिस डॉक्यूमेंट या फ़ोटो को स्कैन करना चाहते हैं उसको रखिए और फ्लैप को बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अपने स्क्रीन पर जाइए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाइए, डेस्कटॉप पर जाइए। अगर आपका जो विंडोज़ आपका जो वर्ज़न है, पहले वाले वर्ज़न है, उसमें नीचे स्टार्ट बटन आता है, उसके जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा जिसे हम विंडोज़ फैक्स एंड स्कैन बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास विंडो 10 या उससे अपडेटेड वर्जनस हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं ये स्क्रीन सामने आ रही है और इस स्क्रीन पे इस तरह के आपके पास ग्राफिक्स आएंगी। यहाँ से भी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक सर्च वाले ऑप्शन में आप सर्च करके उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सर्च किया और यहाँ पे फैक्स लिखते ही यहाँ पे नीचे की तरफ फैक्स एंड स्कैन के नाम से एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम पूरा आप देख सकते हैं, वीडियोस फैक्स एंड स्कैन के नाम से आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आप स्कैनिंग के लिए एक डायलॉग बॉक्स यानी विंडो खोल देगा। इस विंडो में आप देखेंगे कि इस कॉर्नर में एक बटन आ रहा है न्यू स्कैन। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या फोटो स्कैन करना चाहते हैं आप इस बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा जो आपसे स्कैनिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पूछेगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। प्रोफाइल में पूछ सकता है कि आपसे डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, फ़ोटो प्रिंट कराना है, कोई और चीज़ें प्रिंट करानी है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि क्या प्रोफाइल। वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सोर्स, स्पेस, साइज एंड कलर। कलर, हाँ, कलर में भी आप ध्यान से दे सकते हैं। कलर में आप, कलर तो होता ही है, इसके अलावा ग्रे कलर में भी आप स्कैन कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल जैसे मैंने कलर में लेना है तो मैंने कलर्स को चूज़ कर दिया। इसके बाद आप देखिए फाइल टाइप आता है, इसमें JPG फाइल आ रही है, PMP आ रही है, कई एक्सटेंशन की फाइल है, आप इसको बदलना चाहें तो यहाँ पे बदल सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन भी बदल सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है वो भी आप कर सकते हैं, कंट्रास्ट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ आप अपनी नीड्स के हिसाब से उसको देख सकते हैं। आप नीचे देखेंगे तीन बटन आ रहे हैं, प्रीव्यू, स्कैन एंड कैंसिल। इसमें आप अगर देखना चाहते हैं स्कैनिंग से पहले उसका प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा, आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए और जो आपको प्रीव्यू दिखा सकता है। ये प्रोसेस हो रहा है और ये स्कैन करके आपको प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू मतलब स्कैनिंग से पहले आपको वो व्यू दिखा देगा कि किस तरह से प्रिंट आए। देखिए आप, ये प्रीव्यू आपको दिखा दिया। जैसे ही प्रीव्यू आपके सामने आएगा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर डॉटेड डॉटेड लाइनें भी सराउंडिंग में आ रही हैं और आप चाहें तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ऑप्शन बने आ रहे हैं, बॉक्सेस बना रहे हैं। यहाँ जाएंगे तो आपका डबल साइडेड कर्सर हो जाएगा, आप इसे क्लिक करके यहाँ पे क्रॉपिंग करना चाहें अपने यहीं पे डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर सकते हैं। फाइनली आप स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे ये आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा। ये देखिए आप स्कैन हो रहा है और स्कैनिंग होने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपको पीछे वाली विंडो पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, स्कैनिंग करने के बाद ये जो स्कैन वाली फाइल होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक माय कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जाके ये सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर पोजिशन पे इसे सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ आप देख सकते हैं एक सेव एज बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। मैं इस स्कैन फाइल को, यहाँ आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर दिया, A2 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने इसे सेव किया ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। आप इसे बंद करके देखिए तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये आप देख सकते हैं A2 के नाम से सेव है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा, आप स्कैन डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखें जो बाई डिफ़ॉल्ट स्कैन फाइल सेव होती हैं, मैं आपको बता सकता हूँ उसके लिए यहाँ एक आइकन होता है माय कंप्यूटर, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक और फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है जिसे हम स्कैंड फोल्डर बोलते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करके देखिए वो स्कैंड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा इस तरीके से हम किसी भी फोटो को, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हम देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़
कि वॉच इट, आप मुझे सजेशन दीजिए, आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करिए कि मैं आपको इस तरीके और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।